अमीर वर्सेस गरीब का शादी का लहंगा। रामपुर गांव के मुखिया मोहन प्रसाद की इकलौती बेटी दिव्या बहुत ही ज्यादा घमंडी और अकड़ू किस्म के इंसान थी, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने अपने पैसों को लेकर बहुत घमंड किया करती थी। और उन्हें सब में से एक लड़की थी संध्या, जिसके पिता सुरेश मुखिया के ही खेतों पर काम किया करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और उनके पास अपनी कोई खेती भी नहीं थी। इसलिए अपना घर चलाने के लिए संध्या के पिता सुरेश मुखिया के खेतों पर काम करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। और इसी वजह से दिव्या हमेशा संध्या पर अपना हुक्म चलाया करती थी और बेचारी संध्या को मजबूरी में आकर उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। ऐसी ही आज भी, अरे ओ संध्या जल्दी बाहर आ, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। अच्छा ये ले मेरा बैग पकड़ और मेरे साथ बाजार चल, मुझे कुछ सामान खरीदना है। लेकिन दिव्या अभी तो मुझे घर का कुछ काम करना है, हम क्या थोड़ी देर बाद चल सकती हैं? अरे नहीं नहीं थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरे पिताजी मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिताजी को खेतों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए तो चुपचाप मेरे साथ चल। उसी समय संध्या की माँ उर्मिला दिव्या की सारी बातें सुन लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है, अरे संध्या बेटा तू घर के कामों की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगी, तू बस इसके साथ चली जा, वरना ये मुखिया जी से कहकर कहीं तुम्हारे बापू को खेतों से बाहर ना निकलवा दे। लेकिन माँ आप इतना सारा घर का काम अकेले कैसे करोगी, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बस इसके साथ चली जा, वरना तुझे पता है ना कि ये कैसी है। ठीक है माँ, लेकिन आप घर का कोई काम मत करना, मैं आकर सारा काम कर लूंगी। और इस तरह दिव्या संध्या के ऊपर अपना हुक्म चलाकर उसे अपने साथ कहीं भी ले जाया करती थी और उसकी बात मानकर उसके साथ जाना संध्या की मजबूरी थी, जिसका दिव्या हमेशा फायदा उठाया करती थी। अरे दिव्या अब तो शाम होने वाली है, अब तो घर चलो, घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुको यहीं, मुझे अभी सामने की दुकान से कुछ चूड़ियाँ खरीदनी है। इतना कहकर दिव्या संध्या को अपने साथ चूड़ियों की दुकान में ले जाती है और कहती है, अरे भैया ये स्टोन वाली चूड़ियाँ कितने की है? 50 रुपए दर्जन है। अच्छा एक काम करिए, आप इस वाले और इस वाले के दो दो दर्जन सेट मुझे दे दीजिए। देखो संध्या अच्छे लग रहे हैं ना मेरे हाथों में? हाँ हाँ दिव्या बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो। सुंदर तो लगेगा ही, आखिरकार गांव के मुखिया की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझ पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। और तुझे पता है मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए कितना कुछ सोच रखा है। और हाँ कल मुझे देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं, हमारे ही बगल वाले गांव के जमींदार का बेटा है, सुना है वो लोग हमसे भी ज्यादा अमीर है, और पिताजी कह रहे थे कि मैं उनके घर जाकर राज करूंगी राज। लेकिन पता नहीं मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तू तो एक गरीब किसान की बेटी है और तेरे पिता तो हमारे यहाँ खेतों में काम करते हैं, तुझे भला ये सब बातें क्या समझ में आएगी, क्योंकि तेरी शादी तो इसी गांव के किसी गरीब किसान के बेटे से कर दी जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी शादी उस घर में हो जाएगी तो मैं अपने पति से कहकर उन्हीं के घर के किसी नौकर के साथ तेरी शादी करवा दूंगी, शायद वो तेरे पिताजी से ज्यादा कमाता हो, फिर तुझे ऐसे गरीबों की तरह जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू मेरे ससुराल में रहकर आराम से मेरी सेवा करना। दिव्या की ऐसी बातें सुनकर संध्या उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि दिव्या का व्यवहार ऐसा ही है। और इसी बीच दिव्या की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और संध्या को लेकर वो अपनी शादी का लहंगा लेने शहर जाती है। अरे भैया मुझे इस दुकान का सबसे महंगा शादी का लहंगा दिखाओ, मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर और सबसे महंगा लहंगा पहनना चाहती हूँ, जो आज तक कभी किसी ने ना पहना होगा। क्यों नहीं बहन जी, ये लीजिए हमारी दुकान का सबसे महंगा लहंगा जो कि सिर्फ 2 लाख का है, और ये हमारी दुकान का सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा है, आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आप पर ये लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और ये मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस समय तो मैं शॉपिंग करके इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मेरा तो अब इस लहंगे को पहनने की हिम्मत ही नहीं हो रही।
लेकिन हाँ संध्या, तू इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसे खरीद लूंगी। लेकिन दिव्या, मैं कैसे तुम्हारी शादी का लहंगा पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारी शादी का लहंगा है ना। अरे तो मैं कौन सा तुझे हमेशा के लिए ये लहंगा पहनने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस तुझे इस लहंगे को पहनकर मुझे दिखाने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी तू शुक्र मना जो तुझे इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा पहनने को मिल रहा है, वरना तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियों को तो ऐसा लहंगा देखने तक को नसीब नहीं होता है। इसलिए अब तू जा और इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे। दिव्या की बात सुनकर संध्या उसकी शादी का लहंगा लेकर ट्रायल रूम में ट्राई करने चली जाती है। लेकिन जब वो ट्रायल रूम से लहंगा पहनकर बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी नजर साइड में रखे एक महंगे मोबाइल फोन पर जाती है। और वो मोबाइल फोन संध्या से पहले ट्रायल रूम से बाहर निकल रही मीनाक्षी नाम की एक औरत का होता है। और ये देखकर संध्या उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, सुनिए आंटी जी, शायद ये मोबाइल फोन आपका अंदर रह गया था, ये लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, अब शायद उम्र के साथ साथ नजरें भी कमजोर हो गई है, इसलिए शायद मैं अपना मोबाइल फोन वहीं भूल गई थी। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम संध्या है। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी शादी का लहंगा लेने आई हो, और सच बताऊँ तो ये ब्राइडल लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये लहंगा मेरा नहीं है, वो मेरे गांव के मुखिया जी की बेटी दिव्या की शादी है और उसी का लहंगा लेने हम यहाँ शहर आए हैं। लेकिन वो शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये लहंगा पहनकर उसे दिखा दूँ। बस वही पहनकर देख रही थी, तभी मेरी नज़र आपके मोबाइल फ़ोन पर चली गई। अच्छा, वैसे कौन से गाँव से आई हो बेटा तुम? वो मैं रामपुर गाँव से आई हूँ आंटी जी। क्या रामपुर गाँव से? अरे वहाँ के जमींदार से तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। उसी समय दिव्या वहाँ पर गुस्से में आती है और संध्या से कहती है, क्या बात है संध्या, तेरा तो मन मेरी शादी के लहंगे को उतारने का कर ही नहीं रहा है। तभी तो तू इतनी देर से मेरी शादी के लहंगे को पहनकर घूम रही है, और मैं वहाँ पर कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे तो बार बार क्यों अपनी औकात भूल जाती है कि तुझ जैसी गरीब लड़की के लिए इतना महंगा लहंगा पहनना सिर्फ एक सपना है, और ये सिर्फ मैंने तुझे 2 मिनट के लिए पहनने को कहा था, ना कि इसे पहनकर घूमने के लिए। इसलिए अब जल्दी जा और इसे बदल कर आ। मीनाक्षी वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है कि दिव्या किस तरह संध्या से बदतमीजी से बात कर रही होती है, और वहीं संध्या की आंखों में शर्म और अपमान की वजह से आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप ट्रायल रूम में लहंगा चेंज करने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही अगले दिन जब संध्या तैयार होकर दिव्या के घर जाने वाली होती है, उसी समय उसके घर के सामने एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुक जाती है, और उसमें से मीनाक्षी अपने बड़े बेटे नकुल को लेकर बाहर निकलती है। तभी संध्या कहती है, अरे आंटी जी आप यहाँ, और आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? इतना कहकर संध्या उन सबको अपने घर के अंदर ले जाती है और कहती है, माँ ये मीनाक्षी जी है जो कल मुझे लहंगे की दुकान में मिली थी, जिस दुकान से दिव्या ने अपनी शादी का लहंगा लिया है। नमस्ते बहन जी, माफ करना हम यहाँ बिना बुलाए चले आए, लेकिन क्या करती, कल संध्या से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई, और जब मैंने इसके बारे में अपने बेटे को बताया तो उसे भी संध्या का स्वभाव बहुत पसंद आया। इसलिए बहन जी मैं संध्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए आपके घर आपके बेटी का हाथ मांगने आई हूँ, तो बताइए क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? उस समय संध्या के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि शहर के इतने बड़े और अमीर परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता होता देख उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और मीनाक्षी के बेटे को भी संध्या पसंद आ जाती है, क्योंकि संध्या भले ही गरीब थी लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और इसी तरह संध्या और नकुल का रिश्ता तय हो जाता है, और दिव्या के शादी के कुछ दिन बाद ही संध्या की भी शादी होती है, और दिव्या अपने पति के साथ संध्या की शादी अटेंड करने आती है। और उसी समय मीनाक्षी दिव्या से कहती है, अरे आओ दिव्या बेटा इधर आओ, अपनी दोस्त से नहीं मिलोगी? और बताओ कैसा लग रहा है हमारी बहू का शादी का लहंगा, पूरे 5 लाख का है। वैसे तुम्हारा कितने का था? वो मेरा थोड़ा इससे कम का था, सिर्फ 2 लाख का था। अच्छा आंटी जी अब मैं चलती हूँ, वो शायद मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं।
इतना कहकर दिव्या नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा नीचा दिखाती रहती थी, आज वो उससे भी बड़े घर में शादी करके जा रही होती है और उससे भी महंगा शादी का लहंगा पहनकर। दुखियारी बोनी बहू के सुनहरे बाल। ठेकेदार मोतीलाल शहर के जाने माने रईस आदमी थे। उनके दो बेटे थे, राहुल और केशव। राहुल बड़ा था और केशव छोटा। बड़े बेटे राहुल की शादी आरती नाम की लड़की से हो गई थी, परंतु उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत था उसका छोटा कद। उसके छोटे कद की वजह से उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इसी समस्या का समाधान लेकर एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है ठेकेदार जी, मैंने जो लड़की देखी है वो लड़की बिल्कुल केशव के साथ मेल खाएगी। उसका कद भी केशव बाबू की तरह छोटा ही है। वो लोग भी अपनी बेटी सुनहरी के लिए एक छोटे कद का लड़का ढूंढ रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें केशव की फोटो दिखा दी। उनको केशव बहुत पसंद आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी, अच्छा हुआ आपने इस रिश्ते के लिए बात किया। आप जब कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। वो सब तो ठीक है ठेकेदार जी, पर बस एक परेशानी है। कैसी परेशानी पंडित जी, बताइए। वो लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पर बहुत संस्कारी लोग है। अरे पंडित जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़की वाले पैसे वाले हैं या नहीं। हमें बस लड़की से मतलब है जो कि अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए। और कितने दिनों से केशव के लिए हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। अब जब अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। आप लड़की वाले को कह दीजिएगा कि हम कल लड़की देखने आ रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। ये सारी बातें कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ये सारी बातें उनकी बड़ी बहू आरती सुन लेती है। वो कमरे में आकर अपने पति राहुल से कहती है, सुना जी आपने, अपने केशव भैया के लिए गरीब लड़की से बात चल रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है, घर की इज्जत की जरा भी चिंता ही नहीं है। गरीब लड़की घर में आएगी तो गांव समाज वाले क्या कहेंगे। अरे आरती, उसकी चिंता तुम मत करो, केशव बचपन से ही बोना है, उसके लिए बोनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया रिश्ता मोतीलाल और उसकी पत्नी को पसंद आ जाता है। फिर कुछ ही दिनों में शादी की मुहूर्त निकलवा कर उन दोनों की शादी हो जाती है और सुनहरी उनके घर बहू बनकर आ जाती है। सुनहरी कद में भले ही छोटी थी, लेकिन दिखने सुनने में वो बहुत सुंदर थी। ऊपर से उसके लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता को और निखारते थे। केशव और सुनहरी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन केशव कहता है, माँ और बाबूजी, मैं सुनहरी को शहर से दूर जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वहाँ घुमाने ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर लेकर जाओ, बहू को भी अच्छा लगेगा। तभी अकड़ती हुई वहाँ आरती आती है और अपने पति से कहती है, हाँ हाँ अच्छा है, अभी चार दिन हुए नहीं देवरानी जी को घर आए हुए, और अभी से इन्हें बाहर घूमने जाना है। मुझे इस घर में आए हुए पूरे 4 साल से ज्यादा हो गया है, परंतु मुझे किसी ने कहीं नहीं घुमाया। अरे आरती, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, पर तुम खुद ही बात को टाल देती हो, तो इसमें मैं क्या करूं? अरे आरती बहू, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी घूमने जाना है तो तुम भी राहुल बेटे के साथ चली जाओ। नहीं, रहने दीजिए बाबूजी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनहरी की सास कहती है, अरे सुनहरी बहू, आरती की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ी जुबान की कड़वी है पर दिल से बड़ी साफ है। कोई बात नहीं माँ जी। बहू, तो सच में बहुत अच्छी है, और तुम्हारे ये बाल तो बहुत ही सुंदर है। ये बाल तुम्हारी सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है कि जैसे घर में रौनक आ गई हो। बहू, मंदिर जाते वक्त ये पीली साड़ी पहनना, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है, और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी पर बहुत खिलेगा। पहली बार कहीं घर से बाहर घूमने जा रही हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना तो बनता है। शुक्रिया माँ जी। इधर आरती सुनहरी को घर में इतना प्यार मिलता देखकर उससे ईर्ष्या करने लगती है।
इस बोनी सुनहरी का तो कुछ करना ही होगा, ये बोनी बहुत तेज है। ऊपर से जब देखो तब सब इसके बालों की ही तारीफ करते रहते हैं। अगर मैं इसके बाल ही खराब कर दूं तो हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर एक रात आरती जब सुनहरी सो रही थी तो चोरी चुपके उसके कमरे में घुसकर उसके शैम्पू में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला देती है और चुपके से उसके कमरे से निकल जाती है। अब आएगा मजा, जब ये बोनी कल अपने बाल धोएगी तो अपने आप को शीशे में देख नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सुनहरी उठकर नहाने जाती है और शैम्पू यूज करती है तो उसके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया, मेरे बाल इतने ज्यादा गिर कैसे रहे हैं? सुनहरी जब बाथरूम से निकलकर कंघी करती है तो उसके सारे बाल कंघी के साथ ही निकल जाते हैं। ये देखकर सुनहरी बहुत परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल टकली हो जाती है। हे भगवान ये क्या हो गया, सुनहरी रोने लगती है। सुनहरी के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी सास और उसके जेठानी आरती उसके कमरे में आती है और वो भी सुनहरी को ऐसे देखकर चौंक जाती है। अरे बहू ये क्या हुआ, तुम्हारे बाल कहाँ गए? देखिए ना माँ जी, मेरे बाल कितने अच्छे थे, आज मैंने शैम्पू यूज किया उसके बाद मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूँ? बहू मन छोटा मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, बस थोड़ा समय लगेगा, पर जिसने भी ये हरकत की है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी मन ही मन आरती खुश होते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश कर ले अब तेरे बाल कभी वापस नहीं आएंगे बोनी। और आरती की बात सच हुई, जैसा आरती ने सोचा था वैसा ही हुआ। काफी दिन बीत गए परंतु सुनहरी के बाल वापस नहीं आ रहे थे। तभी एक दिन परेशान होकर सुनहरी अपने घर के बाहर बगीचे में बैठी बिल्ली को दूध पिला रही थी। उसे जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, वो रोजाना शाम को गली के जानवरों को खाना खिलाया करती थी। आज भी सुनहरी बिल्लियों को दूध पिला रही थी, तभी उनमें से एक बिल्ली कहती है, सुनहरी दीदी क्या बात है, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आप बहुत उदास उदास हो, कुछ बात है क्या? बिल्ली को बोलते देख सुनहरी चौंक जाती है। अरे प्यारी बिल्ली तुम तो इंसानी भाषा बोलती हो। हाँ दीदी हम लोग बोल सकते हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। परंतु आप बहुत अच्छी हो इसलिए हमने आपको अपनी सच्चाई बताई, क्योंकि हम काफी दिनों से आपको देख रहे हैं आप बहुत उदास रहती हो, इसलिए आज हमसे रहा नहीं गया। अब बताओ आप उदास क्यों हो, क्या पता आपकी परेशानी हम दूर कर सके। इधर सुनहरी बिल्लियों से बातें कर रही थी तभी बगीचे में उसकी सास भी आ जाती है और वो दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। क्या बताऊं, जैसे कि तुम सबको भी पता है मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, फिर एक दिन मैंने अपने बाल धोए, उस दिन के बाद से मेरे सारे बाल झड़ गए, अब वो वापस ही नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल गंजी हो गई हूँ, इस रूप में मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है, इसलिए मैं खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। अरे अरे बस इतनी सी बात, आप अपनी आंखें बंद करो और देखो मेरा जादू। बिल्ली के कहने पर सुनहरी अपनी आंखें बंद करती है और देखते ही देखते सुनहरी के सर पर बहुत ही प्यारे सोने के बाल आ जाते हैं। उन सोने के बालों में सुनहरी बहुत सुंदर लग रही थी। अब अपनी आंखें खोल लो और देखो तुम्हारे सर पर कितने सुंदर बाल आ गए हैं। सुनहरी अपने बालों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बिल्ली, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है दीदी, आपने हम जानवरों का बहुत ख्याल रखा है। अब ये तो सुनो कि आपके बाल खराब किसने किए थे? किसने किए थे? आपके बाल आपके जेठानी आरती ने जलन की भावना से खराब किए थे, वो आपसे बहुत ही जलती थी इसलिए उसने आपके साथ ये हरकत की है। क्या आरती भाभी ने ऐसा किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी पीछे से उसकी सास कहती है, सुनहरी बहू मैंने सब कुछ सुन लिया है, हम इंसानों से अच्छे तो ये जानवर है जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें रोजाना दूध पिलाती हो और देखो बदले में आज इन्होंने तुम्हारी मदद की। आरती बहू ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। फिर सास घर के अंदर जाती है
और सबको आवाज लगाकर हॉल में बुलाती है और घर वालों को सारी सच्चाई बताती है। आरती, तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें किस चीज की कमी मिली है इस घर में जो तुम सुनहरी से जलने लगी? अरे बल्कि तुम्हें तो सुनहरी के साथ अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आरती भाभी, अगर सुनहरी चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी, आपकी हाइट देखकर आपसे जल सकती थी, परंतु उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि उसका मन साफ है। छोटी हाइट का तो मैं भी हूँ, तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे भी नफरत करती हैं? अगर ऐसा है तो मैं और सुनहरी इस घर में नहीं रहेंगे, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। सबकी बातें सुनकर आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, मैं जलन में अंधी हो गई थी। आप लोग प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं वादा करती हूँ कि आगे से अपनी ये हरकत छोड़ दूंगी। अरे माफ़ी मांगना है तो सुनहरी बहू से मांग। हाँ माँ जी, सुनहरी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आरती सभी घर वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। सुनहरी के कहने पर सभी घर वाले आरती को माफ कर देते हैं और सुनहरी भी बड़ा दिल रखकर आरती को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सभी कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगते हैं।